जयपुर के दूदू से बड़ी खबर, तालाब में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। नहाने के दौरान पैर फिसलने से दोनों बच्चे डूब गए। आपको बता दें, घटना की सूचना पर मौजमाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। गाड़ौता सरपंच शिवजी राम खुडिया और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ की टीम दोनों बच्चों के शव को निकालने का प्रयास कर रही है। मौजमाबाद थाना क्षेत्र के कापड़ियावास कला गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि यहां पर बच्चों के शव को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मौजमाबाद थाना क्षेत्र के कापड़ियावास कला की एक घटना बताई जा रही है। जयपुर के दूदू से एक खबर सामने आ रही है, दो बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई और शव को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता शिव शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी शिव, देखिए यहाँ पर बच्चों की डूबने से मौत हुई है, तालाब में डूबने से एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है और अभी शव को पहचाने या निकालने की कोशिश की जा रही है। क्या अपडेट अभी मिल पा रही है? जी आरुषि, मौजूदाबाद के कापड़िया कला गाँव का है ये मामला, जहाँ दो बच्चे नहाने के लिए तालाब पर गए थे, जी पैर फिसलने से वो तालाब में गिर गए और उनकी मौत हो गई। जी, सूचना पर मौजूदाबाद थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम पहुंची। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला है। शव बाहर निकालने के बाद बिथुन सीएससी पर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। जी शुक्रिया शिव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।